बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड मेन्यू ऑफिशियल में आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार किस्म के चपली कबाब। मैंने एक किलो कीमा लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह धो कुश कर लिया है। मैंने सबसे पहले 3 से 4 प्याज को हम कद्दूकश कर लेंगे। और प्याज को हमने कद्दूकश कर लिया है, अब एक छाननी में डाल के इसका पानी अच्छी तरह हम खुश कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह पानी खुश कर लिया है। अब एक बाउल में हम कीमे को डालेंगे और उसके अंदर हम प्याज को डाल देंगे। अब हमने कीमे में प्याज को ऐड कर दिया है। अब हम लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास एक ग्रेटर है, ये बहुत जबरदस्त ग्रेटर है। इसके अंदर छिलके उतारने की जरूरत नहीं है लहसुन की। और इसके अंदर आप लहसुन को डालेंगे, छिलके बिल्कुल साइड पर आ जाएंगे और लहसुन गार्लिक पेस्ट बन जाएगा। इस ग्रेटर के अंदर आप लहसुन को डालेंगे तो ये लहसुन के छिलके आप बिल्कुल मत उतारें। अब बहुत इजी हो चुका है लहसुन को छिलना और कद्दूकश करना। ये देखिए इसके अंदर मैं छिलके के साथ ही डाल रही हूँ, छिलके साइड पर आ गए हैं और हमारा लहसुन पेस्ट तैयार हो चुका है। इसी तरह हम अदरक को भी कर लेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार है। अब कीमे में हम ऐड कर देंगे। अब हमने 3 से 4 हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है, अब कीमे में ऐड कर देंगे हम। अब एक टमाटर लेंगे, उसके बारीक स्लाइस हम काट लेंगे। और कीमे में ऐड कर देंगे हम। अब हम कीमे में मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून नमक का डाल देंगे हम, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का डाल देंगे हम, 1/2 टेबल स्पून हल्दी का हम ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून क्रश चिली डाल देंगे हम, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे हम, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे कीमे में। अब कीमे में हस्बे जरूरत अनारदाना डाल देंगे हम, हस्बे जरूरत कसूरी मेथी डाल देंगे हम, और लास्ट में हम डाल देंगे गरम मसाला और अच्छी तरह हम हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारे सारे मसाले माशाल्लाह से सारे मिक्स हो चुके हैं, अब इनके हम कबाब तैयार कर लेते हैं। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को पुश कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से कितने जबरदस्त हमारे कबाब तैयार हैं। अब हम फ्राई पैन में ऑयल गरम करते हैं और एक एक करके हम कबाब फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके आप साइड चेंज करते रहें और कबाब तैयार करते जाएं। देखिए माशाल्लाह कितने जबरदस्त हमारे कबाब तैयार हैं। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत। मैंने इसमें अंडा और बेसन ऐड नहीं किया, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके अंदर अंडा और बेसन के बगैर मुझे चपली को आप बताएं, इस वजह से मैंने इसमें अंडा और बेसन नहीं डाला। माशाल्लाह से इतने जबरदस्त ये सॉफ्ट बनते हैं, आप खा के देखें इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। माशाल्लाह देखिए कितने जबरदस्त हमारे चपली कबाब तैयार हैं। माशाल्लाह से देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने जबरदस्त हमारे चपली कबाब आप तैयार हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।